मोस्ट लाइकली टू डाई मूवी शुरू होती है और हमें एक घर को दिखाया जाता है। ये घर जंगलों के बीचों बीच होता है। फिर हम इस घर के ओनर को देखते हैं जिसका नाम रे था और वो एक हॉकी प्लेयर होता है। तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड एसली का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उन्होंने एक रीयूनियन प्लान किया है जहां पर उसके सभी हाई स्कूल फ्रेंड्स उसके घर में मिलने आने वाले हैं। ये सुनकर रे खुश हो जाता है और उसके आने का वेट करने लगता है। इसके बाद जब एसली उसके घर में पहुंचती है तब वो अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगाती है लेकिन रे उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी एसली दीवार पर देखती है जहाँ पर उसके सभी दोस्तों की फोटो लगी होती है और उनके नीचे वही लिखा होता है जो उन्होंने अपने लिए हाई स्कूल में लिखा था। वो अपने नाम के नीचे देखती है जहाँ पर लिखा था मोस्ट लाइकली टू हैव हर नेम इन लाइट। तभी उसे वहाँ पर टेबल पर रखा हुआ एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि मुझे ढूंढो। ये सब देखकर उसे लगता है कि शायद रे उसके साथ मजाक कर रहा है। इसके बाद जब वो बेडरूम में जाती है तो वहाँ पर उसे हाई स्कूल ग्रेजुएशन के कपड़े मिलते हैं। तभी उसे वहाँ पर भी एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि तुम बहुत ठंडी हो रही हो। तभी उसे आईने पर एक नोट दिखता है जिस पर लिखा था कि तुम एक कब्र की तरह ठंडी हो। अब ये देखकर वो डर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि रे ऐसा प्रैंक नहीं कर सकता। फिर जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो देखती है कि सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। तभी उसकी नजर अपनी फोटो पर पड़ती है जिस पर अब किसी ने क्रॉस लगा दिया था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और खिड़की तोड़कर वहां से भागने लगती है। वो भागते हुए एक सेट के पास पहुंच जाती है जहां पर एक फंदा लगा होता है। तभी उसका पैर फंदे में फंस जाता है और कोई उसे खींचकर उस सेट में लेकर चला जाता है और उसे मार डालता है। इसके बाद हम गैबी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उस घर में रीयूनियन के लिए आई होती है। गैबी एक फेमस पोकर प्लेयर होती है और उसने उसमें काफी प्राइजेस भी जीते थे। तभी उसे वहां पर एक आदमी मिलता है जो हाई स्कूल में उन्हें वाइन सप्लाई किया करता था। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। फिर वो आदमी उसे बताता है कि हाई स्कूल के बाद रे ने मुझे यहाँ काम पर रख लिया था और तभी से मैं इस घर का देखभाल करता हूँ। ये सुनकर गैबी उसे बाय करती है और उस घर में जाने लगती है। घर में उसे दीवार पर लगी सभी की फोटोज दिखाई देती है। उसे एसली की फोटो देखकर काफी अजीब लगता है क्योंकि उस पर रेड क्रॉस बना हुआ था। तभी वो वहां पर ब्रैड की फोटो देखती है जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ब्रैड भी यहाँ आने वाला है। फिर जैसे ही वो वहां से बाहर निकलती है तो तभी उसकी फ्रेंड जेड आकर उसे रोक देती है। जेड उससे कहती है कि इतने साल बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। गैबी उससे कहती है कि तुम्हें पता था कि ब्रैड यहाँ आने वाला है तो फिर भी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। जेड कहती है कि बेशक आज वो एक बड़ा एक्टर बन गया है पर वो तो हमारा दोस्त ही है इसलिए मैंने उसे यहाँ बुला लिया था। तभी यहाँ पर इनके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। इनके नाम थे फ्रेडी डीजे लिमोन और सिमोन। इसके बाद ये सभी बैठकर अपने हाई स्कूल की बातें करते हैं जिससे उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तभी इन्हें वहां पर इनके हाई स्कूल की ईयरबुक मिलती है जिसमें उन सभी स्टूडेंट्स का नाम होता है। उन्हें उसमें एक स्टूडेंट की फोटो मिलती है जिसके ऊपर कट लगा होता है और उस पर लिखा था मोस्ट लाइकली टू डाई। इस स्टूडेंट का नाम जॉन था और इन सभी ने हाई स्कूल में उसके साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक किया था जिसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी। अब ये लोग उसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें उसके साथ प्रैंक नहीं करना चाहिए था। दरअसल इन सभी ने जॉन की फोटो काट दी थी क्योंकि वो काफी अजीब था। फिर इन्होंने उस पर लिख दिया था मोस्ट लाइकली टू डाई जिससे वो पकड़ा गया और उसे चाइल्ड जेल में भेज दिया गया जिससे उसकी लाइफ बर्बाद हो गई और वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। ये सभी बातें याद करके ये सभी काफी उदास होते हैं क्योंकि अब उन्हें अपने उस प्रैंक का पछतावा हो रहा था। तभी ब्रैड भी वहां पर आता है जो कि एक फेमस एक्टर था। वो अपने साथ अपनी एक मॉडल को भी ले आया होता है जो कि काफी ब्यूटीफुल थी। फिर गैबी जब ब्रैड और उसकी गर्लफ्रेंड को देखती है तो उसे काफी जलन होने लगती है। वो गुस्से में वहां से बालकनी में चली जाती है। तभी जेड उसे मनाने के लिए आती है। जेड कहती है कि अब तुम उन पुरानी बातों को भूल जाओ पर गैबी वो सब कैसे भूल सकती थी। वो उससे कहती है कि ब्रैड मुझे तब छोड़कर गया था जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तभी वहां पर फ्रेडी आ जाता है जो वहां पर अपना रियूनियन रिकॉर्ड कर रहा था। फिर जब वो वहां से चला जाता है तब जेड गैबी को बताती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर गैबी बहुत खुश होती है और कहती है तुम कब मुझे उससे मिलवा रही हो। इसके बाद ये सभी हॉट टब के पास जाते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद जब ब्रैड घर के अंदर जाता है तो देखता है कि गैबी टेबल के नीचे से कुछ निकाल रही है। ये देखकर वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है पर गैबी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। फिर वो गैबी से कहता है कि क्या तुम
मुझे एक और चांस दोगी, पर गैबी उसे साफ मना कर देती है। इधर ब्रैड की गर्लफ्रेंड जब अपने कपड़े बदल रही होती है तो वो हाउसकीपर उसे देख रहा होता है। तभी उसके पीछे एक किलर आता है जिसने ग्रेजुएशन के कपड़े पहने थे। वो उस हाउसकीपर के गले को रस्सी से दबाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर सिमोन और लिमोन अकेले ही उस हॉट टब में बैठे होते हैं। तभी सिमोन लिमोन को बताती है कि उसने शादी की थी पर कुछ सालों में ही उसका डाइवोर्स हो गया था। ये सुनकर लिमोन उससे कहता है कि मैं हाई स्कूल से ही तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मैं कभी इस बात का इजहार नहीं कर पाया क्योंकि तुम तो स्कूल की प्रेसिडेंट थी और तुम पर कई सारे लड़के मरते थे जिससे तुम मुझे पसंद नहीं करती। ये सुनकर सिमोन उससे किस करती है और कहती है कि तुम अब बहुत हैंडसम हो गए हो। फिर वो उसे 10 मिनट में ऊपर के बेडरूम में आने को कहती है, जिसके बाद ये दोनों ऊपर बेडरूम में जाते हैं। इधर ये सभी घर में पोकर खेल रहे होते हैं। यहाँ गैबी जानबूझकर ब्रैड से हार जाती है। इसके बाद वो वहां से बाहर चली जाती है और ब्रैड उसके पीछे जाने लगता है। ब्रैड कहता है कि तुम मुझसे जानबूझकर क्यों हारी। इस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बल्कि तुमने मुझे हराया है। वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम साफ साफ बता सकते हो। ये सुनकर वो उससे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड एक पोकर चैरिटी करवा रही है जिसमें वो चाहती है कि तुम वहां आकर खेलो ताकि वहां पर बहुत सारी ऑडियंस आए और चैरिटी में खूब पैसा बन सके। ये सुनकर गैबी कहती है कि तुम तो बहुत मतलबी इंसान हो और सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम मुझसे बात कर रहे हो। वो कहती है कि जब वो दोनों रिलेशन में थे तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और ऐसे मुश्किल वक्त पर वो उसे छोड़कर भाग गया था क्योंकि उसे तो अपना कैरियर प्यारा था। ये सुनकर ब्रैड को काफी बुरा लगता है और गैबी उसे छोड़कर आगे चली जाती है। तभी आगे जाने पर गैबी को एक सेट दिखता है जिसमें एक जनरेटर भी होता है। फिर जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे वहां पर एसली की लाश दिखती है जिसे बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। ये देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी फ्रेडी वहां पर आता है। वो एसली की लाश को देखकर बहुत डर जाता है। इधर सिमोन और लिमोन जब इंटीमेट हो रहे होते हैं तो तभी डीजे उनके रूम में आ जाता है। वो उनसे कहता है कि एसली के साथ कुछ बुरा हुआ है। ये सुनकर लिमोन उसके साथ जाता है और सिमोन उस घर में अकेले उसका इंतजार करती है। इधर ये सभी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि आखिर एसली को कौन मार सकता है। उन्हें लगता है कि शायद रे ने ही उसे मारा है क्योंकि वो सुबह से दिखाई नहीं पड़ा है। लिमोन उनसे कहता है कि वो अपनी गाड़ी लेकर पुलिस के पास जा रहा है, जिसके बाद ये सभी एसली की लाश के पास जाते हैं। ब्रैड उनसे कहता है कि हमें ये जनरेटर बंद कर देना चाहिए। फिर जैसे ही ब्रैड उस जनरेटर को बंद करता है तो तभी उस घर की लाइट भी बंद हो जाती है। इधर सिमोन उस घर में अकेली होती है और तभी उसे किसी की आवाज आती है। फिर वो कैंडल लेकर उसके पीछे जाती है पर उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता। तभी उसके सामने वो किलर आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। वो किलर उसे पकड़ लेता है और अपनी हैट से उसका गला काट देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो खड़ा होता है और उसने एक मास्क पहना हुआ था जिस पर लिखा था डाई, यानी कि हो सकता है कि ये जॉन हो जो इन सबसे अपने प्रैंक का बदला ले रहा है। इधर लिमोन जब पुलिस के पास जा रहा होता है तो तभी उसकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि किसी ने उसकी गाड़ी की पेट्रोल पाइप काट दी थी जिससे उसका सारा पेट्रोल गिर गया था। इधर गैबी और जेड उस सेट के पास होते हैं। तभी जेड गैबी को बताती है कि वो एक स्कूल टीचर को डेट कर रही है। ये सुनकर गैबी काफी खुश होती है पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि एसली को किसने मारा होगा। फिर जब जेड वहां से चली जाती है तो तभी डीजे गैबी के पास आता है। वो उससे कहता है कि तुम एक काफी स्ट्रांग वुमन हो और तुमने बहुत कुछ झेला है। गैबी उससे कहती है कि तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। डीजे कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, जब ब्रैड ने अपनी एक्टिंग के लिए तुम्हें छोड़ा तो तुमने अपने आप को संभाला और पोकर में तुमने हार्ड वर्क किया जिससे तुम्हें सक्सेस मिली। वो उससे कहता है कि हम दोनों एक ही समान हैं क्योंकि हम दोनों को स्टार्टिंग से धोखा ही मिला है। ये सुनकर गैबी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी ब्रैड वहां भागते हुए आता है और उस जनरेटर को चालू कर देता है। वो उन्हें बताता है कि किसी ने सिमोन को मार दिया है, जिसके बाद ये सभी उसके लाश के पास जाते हैं जहां वो देखते हैं कि सिमोन की लाश हॉट टब में तैर रही है। ये देखकर ये सभी बहुत डर जाते हैं। वो किलर अब एक एक करके सबको मार रहा था और उनके फोटो पर क्रॉस लगा रहा था। इसके बाद ये सब भागने के लिए अपने गाड़ियों के पास जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी की पेट्रोल पाइप किसी ने काट दी है जिससे सारा फ्यूल नीचे गिर गया है और अब वो यहाँ से नहीं भाग सकते। इसके बाद ये वापस से उस घर में जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर किलर कौन है। इनका पूरा शक रे पर ही होता है क्योंकि वो ही यहाँ से गायब था। कुछ देर बाद फ्रेडी, जेड और गैबी वॉशरूम जाते हैं। तभी जेड गैबी से कहती है कि रे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अक्सर यहाँ उससे मिलने आ
आया करती थी। तभी जेड ड्रॉयर खोलकर उसके अंदर से एक बुक निकालती है जिसके अंदर एक गन थी जो कि रे ने रखा था। वो उसे गैबी को दिखाकर कहती है कि रे ने मुझे इस गन के बारे में बताया था क्योंकि वो मुझ पर काफी ट्रस्ट करता था। फिर जब गैबी अंदर जाती है तब फ्रेडी जेड के साथ बाहर बैठता है। वो उसे बताता है कि वो पहले बहुत वाइन पिया करता था पर एक दिन ड्रिंक एंड ड्राइव करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके फ्रेंड की मौत हो गई थी, इसलिए उसने पीना छोड़ दिया। इधर गैबी जब उस हैंड वॉश को यूज करती है तो उसमें से खून निकलता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वहां से बाहर भाग जाती है। इसके बाद ये सभी बैठकर डिस्कस करते हैं कि कहीं कोई उनके साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा। ब्रैड की गर्लफ्रेंड ब्रैड से कहती है कि मैं उन लाशों को चेक करने जा रही हूँ ताकि हमें पता चल सके कि कहीं वो नकली तो नहीं है। वो ब्रैड को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है पर ब्रैड उसके साथ जाने से मना कर देता है। ये देखकर डीजे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तभी इन्हें घर में एक रिंग टोन सुनाई देती है। फिर जब ये उसके पीछे जाते हैं तो इन्हें वहां पर एक फोन पड़ा हुआ मिलता है। फिर जब वो उस फोन को उठाता है तो उससे कोई कहता है कि वो बहुत जल्द मरने वाला है। तभी वो किलर उनके सामने आ जाता है जिसे देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं। वो ब्रैड को मारने लगता है पर तभी गैबी रे की गन लेकर वहां पर आ जाती है और उस पर पॉइंट कर देती है। ये देखकर वो किलर डर कर वहां से भाग जाता है। फिर वो ब्रैड को उठाकर सोफे पर लिटाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हिम्मत मत हारो, हम तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। ब्रैड जख्मी हालत में गैबी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि जब तुम प्रेग्नेंट थी तब मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था पर मैं अपने कैरियर की तरफ भाग गया। ये सुनकर गैबी अब उससे माफ कर देती है और उसे हिम्मत न हारने के लिए कहती है। तभी ब्रैड की गर्लफ्रेंड भागी हुई वहां पर आती है। वो उन्हें बताती है कि बाहर किसी ने डीजे पर हमला किया है और वो उसके पीछे भी आ रहा है। तभी वो किलर वहां आ जाता है और उस पर अपनी हैट फेंक कर मारता है जिससे उसका गला कट जाता है। इसके बाद वो किलर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर गैबी वहां से भागने लगती है और वो किलर उसका पीछा करने लगता है। तभी गैबी देखती है कि आगे रास्ता बंद है और तभी वो किलर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गैबी की चिल्लाने की आवाज सुनकर जेड वहां पर आती है और उस किलर को शूट करने लगती है पर वो किलर वहां से भाग जाता है। फिर गैबी जेड से उसकी गन लेती है और उससे कहती है कि वो उस किलर के पीछे जा रही है ताकि वो उसे मार सके। फिर वो उस किलर को काफी ढूंढती है पर वो किलर उसे कहीं नहीं मिलता। फिर जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि वो किलर उसके सामने खड़ा है। वो उसे शूट कर देती है पर तभी उसे पता चलता है कि वो उसकी रिफ्लेक्शन थी और ठीक उस आईने के पीछे उस किलर ने उसकी दोस्त को बांधा था। ये देखकर गैबी अपनी गन छोड़कर अपने दोस्त के पास जाती है। वो उससे माफी मांगती है क्योंकि गलती से उसने उसे शूट कर दिया। हम देखते हैं कि वो किलर गैबी के पीछे खड़ा था पर वो उसे कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है। इधर लिमोन जब वापस आ रहा होता है तो तभी उसे डीजे जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। फिर वो उसे उठाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। डीजे बताता है कि सिमोन मर चुकी है। ये सुनकर लिमोन को बहुत बुरा लगता है। वो डीजे से पूछता है कि उसे किसने मारा होगा। तभी डीजे अपनी जेब से एक पेपर कटर निकालता है और उससे कहता है कि मैंने ही उसे मारा है। वो उस पेपर कटर से मारकर उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद वो बड़ी ही बेरहमी से उसे मार देता है जिससे हमें पता चलता है कि वो डीजे ही था जो ये सब कर रहा था। इसके बाद डीजे गैबी फ्रेडी और जेड के पास आता है। वो अपने साथ रे को उस किलर के कपड़े पहनाकर लाया होता है। फिर वो फ्रेडी और गैबी पर गन तान कर कहता है कि मैंने ही सबको मारा है और वो उन सब का इल्जाम रे पर डालने वाला है। गैबी उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर वो बताता है कि मैं जॉन के बचपन का दोस्त था जिसके साथ तुम सब ने एक काफी गंदा प्रैंक किया था। हम जॉन के साथ बचपन में खेला करते थे और उसी के साथ हमने इतना गंदा प्रैंक किया। वो उन्हें बताता है कि जेल से रिहा होने के बाद जॉन उसे मिला था और उसके बाद उससे कहीं पर भी जॉब नहीं मिली क्योंकि वो तुम्हारी वजह से ग्रेजुएशन कर ही नहीं पाया। वो काफी सिंसियर लड़का था जिसे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था लेकिन तुम सबने उसकी पढ़ाई छीन ली इसलिए वो हार गया था और मुझसे मिलने के कुछ दिन बाद ही उसने सुसाइड कर लिया। उसकी मौत से मुझे एहसास हुआ कि तुमने उसके साथ बहुत गलत किया था और फिर मैंने तुमसे उसका बदला लेने का डिसाइड किया। इसलिए मैंने ही ये रियूनियन प्लान किया था ताकि मैं तुम सबको मारकर बदला ले सकूं। ये जानकर उन सभी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो फ्रेडी जेड और गैबी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ हो। अब डर के मारे फ्रेडी और गैबी उसे हाँ कर देते हैं। तभी डीजे कहता है कि मुझे फ्रेडी पर विश्वास है पर गैबी तुम इतनी जल्दी कैसे हाँ कर सकती हो। फिर वो उसे एक पेपर कटर देता है और उससे ब्रैड को
मारने के लिए कहता है, जिससे उसे यकीन हो जाएगा कि वो भी उसके साथ है। तभी गैबी उस पेपर कटर को छोटा कर देती है और फिर ब्रैड को स्टैप करती है। ये देखकर डीजे बहुत खुश होता है। फिर वो गन से ब्रैड को मारने जाता है, पर तभी गैबी उससे उसकी गन मांगती है और कहती है कि मैं इसे मारूंगी। फिर जैसे ही वो उससे गन देता है तो तभी गैबी उसे ही शूट कर देती है, जिससे डीजे मारा जाता है। इसके बाद वो रे को आजाद करते हैं। तभी रे गैबी से गन लेता है और गुस्से में डीजे को शूट करता है। इसके बाद ये सभी वहां से चले जाते हैं और तभी वो किलर वहां पर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि डीजे असली किलर नहीं था बल्कि वो उसका साथ दे रहा था। फिर वो किलर डीजे की फोटो पर क्रॉस बनाता है और अपनी हैट पहन लेता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।